हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने डिटेल स्टडी कंप्लीट कर ली थी चैप्टर की। आज हम करते हैं कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस। ठीक है, टेक्सचुअल क्वेश्चंस। हाँ जी, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर कैनॉट रेज। कैनॉट रेज क्या होती है? जो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस होती हैं एक डिस्चार्ज ट्यूब में से आ रही होती है, उनको क्या बोलते हैं? कैनॉट रेज बोलते हैं। ठीक है, द पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस डिस्चार्ज ट्यूब उसको हम क्या बोलते हैं? कैनॉट रेज। ठीक है, जिसको हम बाद में प्रोटॉन भी बोल सकते थे। ठीक है, बोलने लग गए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एटम कंटेन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चेंज चार्ज और नोट। अगर किसी एटम पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो क्या वो कोई चार्ज कैरी करेगा? देखिए, थॉमसन मॉडल में हमने पढ़ा है कि अगर जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमारे पास प्रेजेंट है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसल आउट कर देंगे और उनके पास जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। मींस कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन द एटम इज न्यूट्रल एज ए होल। थॉमसन मॉडल ने कैसे एक्सप्लेन किया था कि एक एटम पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता? ठीक है, थॉमसन मॉडल ने बोला था कि हमारे पास दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, एक था प्रोटॉन, एक सब एटॉमिक पार्टिकल को हम प्रोटॉन बोलते थे और दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन बोलते थे। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिवली या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मींस जितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब जो एटम होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्लियर, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, दोनों अपोजिट चार्ज है तो इसलिए जो नेट चार्ज होता है एटम पे वो जीरो होता है, न्यूट्रल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल के बेस पर कि जो कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, एटम के पास न्यूक्लियस में कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आंसर है प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ड्रा ए स्केच ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम विद थ्री शेल्स। बोर मॉडल का एक स्केच बनाना है जिसमें तीन शेल होंगे। सबसे पहले तो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में या फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, जिसको मैं फर्स्ट ऑर्बिट बोलता हूँ, एन इज इक्वल टू वन या फिर के शेल बोलता हूँ। ठीक है, ऐसे ही सेकंड शेल सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिसको मैं एल शेल बोलता हूँ। ठीक है, और थर्ड शेल में रिवॉल्व करते हैं जिसको मैं एम शेल बोलता हूँ। क्लियर, ये जो शेल है इनको हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। ऑर्बिट होते हैं एक फिक्स पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन
इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग ए फॉइल ऑफ मेटल अदर देन गोल्ड फॉइल। अगर अल्फा पार्टिकल्स की जो स्कैटरिंग हम किसी मेटल पे करते हैं तो गोल्ड फॉइल पे नहीं करते, तो आप क्या ऑब्जर्वेशन निकालते हैं? देखिए, जब हमने अल्फा पार्टिकल, जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की थी गोल्ड फॉइल पर, तो कुछ पार्टिकल डेविएट हो गए थे अपने पाथ से, कुछ पार्टिकल रिट्रेस हो गए थे, वहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा होते थे, ठीक है, और कुछ पार्टिकल डायरेक्ट निकल गए थे जहाँ पर प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं थे। तो हमने ऑब्जर्वेशन निकाल दी थी कि किसी भी एटम में जो प्रोटॉन्स की जो प्रेजेंस है वो इक्वल नहीं होती, वो इक्विवेलेंट नहीं होती, ठीक है, हर जगह इक्विवेलेंट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। तीन सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के कौन कौन से होते हैं, ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन जिसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, क्लियर। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, एंड न्यूट्रॉन जिस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, नो चार्ज, ठीक है, जिस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट। हीलियम एटम है जिसका एटॉमिक मास है 4 यूनिट, हीलियम है एटॉमिक मास 4 यूनिट एंड टू प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, और उसके पास दो प्रोटॉन है उसके पास। फिर उसने बोला हाउ मेनी न्यूट्रॉन डज इट हैव, न्यूट्रॉन कितने हैं उसके पास, ठीक है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है हमारा एटॉमिक नंबर, मीन्स इसका एटॉमिक नंबर है 2, एटॉमिक नंबर है 2। तो जो न्यूट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, क्लियर। तो इसके पास 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम। कार्बन और सोडियम एटम में डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का। कार्बन होता है 6, इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट शेल है उसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, या मैं लिख सकता हूँ के शेल है उसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और जो सेकेंड शेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन हमारे पास बचते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और जो एल शेल है उसमें आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल हो गए 6। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला सोडियम में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सोडियम जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होगा 11, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, तो सेकंड शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, और थर्ड शेल में आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2+8=10+1=11 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है। याद रख सकता हूँ के शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और एम शेल में आते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ के एंड एल शेल्स ऑफ एन एटम इज फुल देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। अगर किसी एटम की के शेल फुल हो और एल शेल फुल हो तो उस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। देखिए के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, और जो एल शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 8, ठीक है, तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बने, 10, क्लियर, टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास बनते हैं 10, तो एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं, क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन सल्फर एंड मैग्नीशियम।
वैलेंसी आपको बतानी है, क्लोरीन की, सल्फर की और मैग्नीशियम। देखिए क्लोरीन होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, पहली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और थर्ड शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो या तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को जीरो कर लेता है या 8 कर लेता है, मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो इसके लिए इजी टास्क क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ठीक है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी -1। ठीक है, इसकी वैलेंसी होगी -1। क्लियर। नेक्स्ट है सल्फर, सल्फर होता है 16, तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 2, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 8 और थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 6, जो कि आउटर शेल होती है। ठीक है, हाँ जी, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो या तो वो जीरो कर लेगा या 8 कर लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इजी टास्क क्या रहेगा, वो 8 कर ले अपने इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ऑक्टेट कंप्लीट कब होगी, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो उसको गेन करने पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंसी होगी -2। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है 12। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं 8 और थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। ठीक है, तो आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, हाँ जी, तो या तो 0 कर रही है 8, या तो 2 दे दें इलेक्ट्रॉन, या 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो इजी टेस्ट क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। ठीक है, लूज करना मीन्स पॉजिटिव, और इसकी वैलेंसी क्या होगी, पॉजिटिव 2। क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 8। हाँ जी, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन है 8 और उस एटम में प्रोटॉन भी 8 ही है। ठीक है, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, आपको पता है जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 8। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 8 होगा। देन उसने बोला है व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम, चार्ज क्या होगा एटम पे। देखिए इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द विद द हेल्प ऑफ टेबल फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। ऑक्सीजन का मास नंबर निकालना है और सल्फर का मास नंबर आपको निकालना है। ठीक है, हाँ जी, देखिए ऑक्सीजन के पास आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 8, ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, हाँ जी, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। आप टेबल देख सकते हो, ठीक है, जो आपको गिवन है उसमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको दे रहे हैं 8, क्लियर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको गिवन होंगे 8 और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के, मींस आपको प्रोटॉन दे रहे हैं 8। ठीक है, तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मास नंबर क्या हुआ, 16, इसका मास नंबर हुआ 16। क्लियर, एज इट इज सल्फर में, सल्फर में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको गिवन है वो है 16, सल्फर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 16 और सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास होंगे 16। ठीक है, तो मास नंबर क्या होगा, मास नंबर आपके पास होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ
थर्टी क्लियर, 32 सल्फर का मास नंबर आपके पास है, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट उसने बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सिंबल हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम टेबलेट थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड इन ईच ऑफ देम, सब एटॉमिक पार्टिकल, तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल बताने हैं, इसके एटॉमिक नंबर होता है 1, मास नंबर भी 1 होता है हाइड्रोजन का, एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर होता है 2 ड्यूटेरियम, एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर होता है 3 ट्रिटियम, तो तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल इसके लिए हमें बताने हैं। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है 1, प्रोटॉन होंगे वो भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है 1, और न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 1 माइनस 1 0, 0 इसके पास क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। एज इट इज इलेक्ट्रॉन होंगे जितने एटॉमिक नंबर होंगे, प्रोटॉन होंगे जितने एटॉमिक नंबर होंगे मीन्स 1, और न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन होता है हमारे पास, न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 1, इसके पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा, क्लियर। हाँ जी, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन ट्रिटियम के पास होगा 1, प्रोटॉन ट्रिटियम के पास होगा 1, और जो न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 2, इसके पास क्या होंगे, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्लियर, 2 इसके पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप एंड आइसोमर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है एक पेयर आइसोटोप की और आइसोबार की, जैसे आइसोटोप हम लिखते हैं कार्बन 6 12, कार्बन 6 14, आइसोटोप्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं, ठीक है, उनको आइसोटोप्स बोलते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, हम जी के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोबार, आइसोबार होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं बट मास नंबर सेम होते हैं, ठीक है, जैसे कैल्शियम और आयरन, हाँ जी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, मास नंबर होता है 14, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और मास नंबर होता है 14, क्लियर। हाँ जी, ये है क्या है आइसोबार, जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होते हैं बट मास नंबर सेम होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सबसे पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने पुट किए, ठीक है, उसके बाद एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पुट किए, क्लियर, 8 हो तो 10 हो गए, एम शेल में पुट करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही पुट कर सकते हैं हम आउटर शेल में, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गए मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट एन शेल में हम पुट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, के में 2, एल में 8, एल में 8 और एल में 2 इलेक्ट्रॉन हम पुट करते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से हम टेक्स्टुअल क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।